हो गया। ओम ज्ञानतिमिरं तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धुजगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोल। सर्वप्रथम मेरी गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे हरिनाम चिंतामणि ग्रंथों को हम श्रवण कर रहे थे, इसलिए श्री हरिदास ठाकुर वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को भगवान का नाम शुद्ध रूप में करनी चाहिए। इसलिए अगर उसमें नामा अपराध है, नामा भास है, छाया नामा भास, प्रतिबिंब नामा भास और तत्व व्यवधान, ऐसे उन्होंने बहुत बहुत कुछ उसमें बात बताए भगवान का शुद्ध नाम कैसे होनी चाहिए। इसलिए कहते शुद्ध नाम करने के लिए उसमें नाम अपराधों को त्याग देना पड़ता है। कहते जो नामा अपराध है वो 10 तरह का नामा अपराध है। अगर 10 तरह का नामा अपराध को अगर हम त्याग दे करके फिर 10 तरह का नामा अपराध तो त्याग दे दिया, फिर उसमें 4 तरह का अनर्थ होता है। जैसे असत तृष्णा, मतलब भगवान की भक्ति को छोड़ करके हृदय में और जितने तरह का विषय भोग की वासना है, असत तृष्णा, उसके बाद में फिर अपराध है, इसलिए उसमें तत्व भ्रम। तत्व भ्रम मतलब अपने आप को भूल जाना हम भगवान के कृष्ण का नित्य सेवक है। इसलिए कहते ये असत तृष्णा हृदय द्रौबल्य, हृदय द्रौबल्य मतलब है हमारे हृदय में बड़ी दुर्बलता है भगवान की भक्ति करने के लिए, उसमें हमारे उत्साह नहीं आता है, निश्चय नहीं आता है, धैर्य नहीं है। भक्त तत् कर्म प्रवर्तनात्, भक्ति के जो अंग जाजन करने के लिए हमारे अंदर में उत्साह नहीं है, हैं असत संग को त्याग नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे अंदर में बहुत बहुत कमी। कहते अपराध तो दूर हो गया, लेकिन जो ये जारी तरह का जो अनर्थ है अगर ये रहेगा तो फिर वो शुद्ध हरिनाम नहीं होगा। इसलिए कहते हैं अपराध को छोड़ करके अगर 4 तरह का अनर्थ है फिर वो जो नाम है कहती है नामाभास होता है, और जो नामाभास ही उसको 4 तरह का बताए है, जैसे अजाम लिखा जीवन में हुआ है, बोले संकेतम परिहास्यम वा
स्तोभम हेलन नवेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु। इसमें बताए अगर संकेत करके अगर किसको हम बुलाते हैं, संकेत करके जैसे किसी बच्चे का नाम, जैसे भगवान का नाम रख दिया, रख करके उसको संकेत करके बुलाते हैं, कृष्ण इधर आ जाओ, गोपाल इधर आ जाओ। जैसे श्री अजामिल ने, उन्होंने अपना भगवान को नहीं बुलाया है, भगवान को नहीं बुलाया, उसने बुलाया था अपना बेटे को, उन्होंने बुलाया था। लेकिन बेटे को बुलाने पर भी, लेकिन उसमें इतने शक्ति, भगवत नाम में इतने शक्ति, एक तरफ में जमदूत, एक तरफ में विष्णुदूत आए और दोनों में लड़ाई हो रहा है। जमदूत कहते हम ले जाएंगे, विष्णुदूत कह रहे हैं हम ले जाएंगे। तब श्री विष्णुदूत कहते हैं जमदूत को तुम क्यों ले जाओगे, बोले तुम्हें पता नहीं इसने ब्राह्मण घर में जन्म लिया और ब्राह्मणी कम उम्र की बड़ी प्यारी थी, लेकिन उसने अपना ब्राह्मणी को त्याग दिया, दे करके फिर एक वेश्या को साथ में रहा, उसका हाथों में अमेध कुमेध भोजन किया, फिर 10-10 बेटे हुए, उनको लालन पालन करने के लिए उन्होंने जितने तरह का उसने अपराध किया, जितने तरह का उसने पाप कर्म किया, बोले सीधा नरक जाएगा। विष्णुदूत ने कहा पुण्य भी तो कुछ किया, बोले क्या पुण्य किया, बोले उसने जो अंतिम समय में भगवान का नाम लिया, बोले वाह, जिंदगी भर पाप करते रहो, मरते समय एक बार प्रभु का नाम ले लिया, हो गया उसमें। तब विष्णुदूत कहते हैं तुमको भगवान के नाम के संबंध में तुम्हें क्या पता है, तुम्हें पता है भगवान का नाम में कितने शक्ति है। उदाहरण दे, जैसे एक भूस का ढेर हो, नहीं तो रुई का कोई ढेर हो, अगर उसमें आग की अगर एक चिंगारी पड़ जाए ना, वो सब जला करके सब राख कर देता है, इतने शक्ति एक आग की चिंगारी में, और भगवान के नाम में शक्ति नहीं। जब उसने बेटा का नाम केवल नारायण रख लिया था, उसको सारे पाप खत्म हो गया था। उसको बाद में उसने बारम्बार बुलाया, बेटा नारायण इधर आ जाओ, बेटा नारायण इधर आ जाओ, वो क्या हो गया, जैसे हम माला जप करते हैं है? लेकिन उसने जब अंतिम समय में जो प्रभु का नाम लिया, ये बड़े भाग्य से लेते हैं है? ये बड़े भाग्य से लेते हैं अंतिम समय में जो प्रभु का नाम उच्चारण हुआ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले जनम जनम मुनि जत न कराए अंतराम कहिया बतनाए। उसमें दो अर्थ कहते हैं, कहते जन्म जन्म मुनि यत्न कराए, मतलब है मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक यत्न करते हैं, लेकिन करने पर भी अंतराम कहीं आबत नहीं, अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं निकलता मुंह से है, यत्न करने पर भी, कहते ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है, कोई कोई कहते ना अरे अभी से भजन करने का क्या जरूरत है, मरने से पहले एक बार भगवान का नाम ले लेंगे, अभी से करने का क्या जरूरत है, बोले नहीं कहते जन्म जन्म मुनि यत्न कराए। जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक यत्न करते हैं, फिर तो कहीं अंतराम कही, तभी अंतिम समय में भगवान का नाम कहीं मुंह से आता है। जैसे तुमने डॉक्टर किए होंगे, आंख का ऊपर में ना किया है, हाँ, इसलिए कितना साल पढ़ाई किया, 20 साल पढ़ते होंगे, 20 साल कम से कम से पढ़े, लेकिन तुमको जो टेस्ट किया गया ना, कोई एग्जाम किया गया, लास्ट में तुमको नौकरी मिलेगी कि नहीं, परीक्षा कितना समय किया गया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पेपर दिया ना, देना होगा होगा, लेकिन उसमें तुमको नौकरी मिली गई। लेकिन तुमको 1 घंटा 2 घंटा लास्ट में जो नौकरी के लिए जो एग्जाम देना पड़ा, उसके लिए कितना साल पढ़ना पड़ा, 20 साल तक पढ़ाई करना पड़ा। जो पेपर आ जाता है ना, 10-10, 12-12, 15-15 घंटा पढ़ना पड़ता है, हाँ, पूरा पुस्तकों को दिमाग को लेकर के जाना पड़ता है पेपर देने के लिए। कितना साल पढ़ाई, 10-20 साल पढ़ाई, और 1 घंटा के एग्जाम दे दे, बस नौकरी मिल गई। कहते साधारण तुमकी नौकरी के लिए तुमको 20-20 घंटा 20 साल तुमको पढ़ाई करना पड़ा है, और भगवान की भक्ति करने के लिए अंतिम समय जो जीवन में करो
अंतिम समय में बोले भगवान का नाम ले लो, नहीं। इसलिए कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तर जतन करते हैं तभी अंत राम कही, तभी अंतिम समय में भगवान का नाम निकलता है। क्योंकि रील में जो भरा हुआ है ना वही तो निकलेगा। जिंदगी भर तो सारे कचड़े भर दिए, सारा दुनिया उल्टा पुल्टा संगत में रहे, बीड़ी फूके, शराब पिए, मांस खाए, गंदी गंदी चीज देखे, घूमे फिरे, और अंतिम समय में बोले भगवान की याद आ जाएगी। अरे रील में जो भरोगे तो वही निकलेगा ना। हृदय तुम्हें कचड़े भर दिए और बोल तो अंतिम समय में भगवान की स्मरण आ जाएगा, इतना आसानी नहीं। इसलिए बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं अंतराम कही, तभी अंतिम समय में मुंह से प्रभु का नाम तभी निकलेगा। और अंतराम कही फिर आबत नाही, फिर संसार से उसको संसार में आना नहीं पड़ता है। इसलिए उसने जब अंतिम समय में जो भगवान का नाम लिया कहते ये बड़े भाग्य से निकलता है। फिर जमदूत बोले भगवान का नाम कब लिया? उसने भगवान का नाम कब लिया? वो तो अपने बेटे को बुलाया था, बेटे को बुलाया था उसने, भगवान को बुलाया कब उसने? तब उन्होंने बताया भगवान का नाम चार तरह से कल्याण करता है। बोले सांकेत्यम, पहला नंबर है संकेत करके, संकेत मतलब होता है इशारा करके। हाँ, किसको इशारा करके, जैसे बच्चे का नाम रख दिया भगवान का नाम पर, उसको बारंबार बुला रहे हो, हाँ? उसको बारंबार बुला रहे हो, कृष्णा गोविंद राधिका, हाँ, राग लेखा शशिकला अनंग मोहिनी, उसको बारंबार बुलाते हो, कहते उसमें क्या होता है? भगवान का नाम संकेत से। इसलिए भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज एक कथा सुनाते थे। बोले एक समय पांच चोर, पहले तो जंगल जंगल होता था ज्यादा ज्यादा, चोर लोग जंगल में सब कैसे लूटते थे, हैं? वो पांच चोर भगवान का नाम को इशारा करके चोरी करते थे और वो अलग अलग जगह पर खड़े हो जाते थे, हैं? कोई पहले एक व्यक्ति दूसरे इशारा करेगा, तीसरे को इशारा करेगा, ऐसे करते थे। पहला जो व्यक्ति खड़ा होता था, अगर कोई व्यक्ति को देखता था आ रहा है ना, बोले नारायण। अगर कोई व्यक्ति भगवान का कोई व्यक्ति आए, अगर नारायण नारायण बोले ना, भैया भैया अच्छा आदमी है, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे, ये नारायण नारायण। इसलिए वृंदावन में कभी कभी सामान अच्छे तरह से बिके, गले में कंठी तिलक पहन लेंगे, दुकान में बोले कोई व्यक्ति सोचेगा भैया भगत आदमी है, हाँ ये भगत आदमी है। इसलिए वो बोलता था नारायण। इसका दो अर्थ होता है, एक तो नर मतलब होता है इंसान, अयन मतलब आश्रय, मतलब सभी जीवों का जो आश्रय है भगवान नारायण, ये एक अर्थ है। लेकिन उसको दूसरा अर्थ क्या होता है? बोले नर अयन, नर मतलब होता है कोई इंसान, अयन मतलब होता है आ रहा है, वो दूसरों को इशारा करता है, बोले सावधान हो जा नारायण, मतलब कोई व्यक्ति एक आ रहा है सावधान हो जा। जो दूसरा व्यक्ति को पास में पहुंचता था वो बोलता था गोपाल गोपाल, जो गैया को पालन करते हैं, अरे गोपाल मतलब होता है जो गैया चराने वाले अक्षर होते हैं ना, वो थोड़ी बुद्धि कम होता है, गैया चराते 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 गैया को पीछे भागते भागते बुद्धि है कम हो जाता है बुद्धि उसकी। इसलिए मतलब वो कहता था देखो लगता है ये जो आदमी है ना इतने कोई चालाक चतुर नहीं, लगता है चोरी करने में बढ़िया होगा, है। जब तीसरा व्यक्ति को पास में पहुंचता था वो बोलता था दामोदर दामोदर, मतलब दाम मतलब होता है पैसा, और उदर मतलब होता है कमर में, भैया लगता है माल इसको पास में है, इसके पास में माल है पैसा है लगता है। और दामोदर कृष्ण का बचपन का नाम है, मैया उसको उखल में बांध दी थी, दामोदर नाम पड़ा। और जब चौथा व्यक्ति को पास में पहुंचता है कहते वासुदेव वासुदेव, मतलब भगवान वसुदेव का बेटा वासुदेव है, और वो कहते हैं बांस लाओ और पिटाई करना शुरू करो, हाँ, इसलिए वासुदेव वासुदेव। और जब पंचमा व्यक्ति को पास में पहुंच बोले हरी हरी हरी, मतलब जो कुछ चीज हड़प लो सब इससे हड़प लो। इसलिए कहते ऐसे ही भगवान का नाम को इशारा करके ये चोरी करते थे। लेकिन जो ऐसे कर रहे थे हरि वासुदेव नारायण,
इतने में वज्र गिरा, बारिश ये हो रही थी, वज्र गिरा तो सब के सब खत्म। लेकिन वो चूंकि अंतिम समय में भगवान का नाम को इशारा करके चोरी कर रहे थे, लेकिन पांच को उनको मुक्ति मिल गई। हैं क्यों? भगवान का नाम को ले रहे थे, इसलिए बोले ये पहले सांकेत्यम, बल दूसरा नंबर है पारिहास्यम। पारिहास्यम मतलब होता है परिहास करते करते, हैं परिहास करता है, अरे कृष्ण कृष्ण बोलने से क्या होता है, कृष्ण कृष्ण बोलने से क्या होता है। इसलिए अगर परिहास पूर्वक अगर किसी को हंसी दिलाई करते हुए अगर प्रभु का नाम ले लिया तो उसमें भी कल्याण है। संकेतम पारिहासम बोले स्तोभम, स्तोभम मतलब होता है स्तुति पूर्वक, है स्तुति करते हुए, जैसे कहते हैं ना जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जना बल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जैसे हम कहते ना क्या राधा माधव नाम, लेकिन कीर्तन करते करते जय राधा माधव माधव कुंज बिहारी हो जाता ना, कुंज बिहारी नाम तो हो रहा है लेकिन ये नाम क्या हो रहा है, ये लंबा हो जाता है ना। इसलिए कहते अगर ऐसे कीर्तन पूर्वक स्तुति पर अगर प्रभु का नाम लिया जाए तो उसमें भी जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए कहते स्तोभम बोले हेला, हेला मतलब होता है अनायास में, जैसे कृष्ण हेला में गिरिराज गोवर्धन उठा लिया, बा निग्लेक्ट पूर्वक प्रभु का नाम करे तब भी जीव का कल्याण होता है। उसमें सब अलग 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 सब उदाहरण देकर समझाए। इसलिए कहते भगवान का जो नाम है किसी ना किसी तरह से अगर प्रभु का नाम लोगे तब भी जीव का कल्याण करता है। इसको बताया इसका नाम का आभास है, उन्होंने दूसरे बताए जैसे नामाभास दो तरह का है, एक तो ये हो गया, दूसरा तर्क हो गया जैसे मुसलमान है, जैसे महाप्रभु समुद्र किनारे में बैठे हरिदास को बोले बोले हरिदास, हिंदू लोगों का तो कल्याण किसी ना किसी तरह से होगा क्योंकि वो कृष्ण राम दामोदर कहीं ना कहीं प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन मुसलमान का कैसे कल्याण होगा? हरिदास ठाकुर ने कहा प्रभु भगवान बड़े दयालु, इनका भी कल्याण करेंगे। बोले कैसे? बोले ये सब मांस खाते हैं, सब मांस खाएंगे लेकिन सूअर का मांस नहीं खाते हैं, इसलिए सूअर को ये लोग हराम कहते हैं। हराम, हराम समझती हो ना, एक होता था हा राम, दूसरे होता है हराम बदमाश हराम तुम हो, गाली देते हैं, इसलिए वो सूअर को हराम कहते हैं। तब एक समय कोई एक व्यक्ति मुसलमान शौच क्रिया में बैठा हुआ था, इतने में एक जंगली सूअर आया, दांत बड़ा बड़ा होता है, जंगली सूअर ने उसको बड़े तेजी से मारे, मारते ही उसने हराम, उसने सूअर को जब हराम बोला लेकिन उसके क्या हो गया, नामाभास हो गया, नाम की आभास हो गया, उसी से ही उनका भी उद्धार हो गया। इसलिए कहते नामाभास में भी जीव का कल्याण होता है, लेकिन इसमें जो कल्याण होता है उनको इसलिए भगवान का नाम दो तरह का नाम बताया है, एक है उनका ऐश्वर्यवाची नाम और एक उनका माधुर्यवाची नाम है। ऐश्वर्यवाची मतलब होता है जैसे जगत कर्ता, जगत नियंता, सृष्टि करता, पालन करता है, उनका ऐश्वर्य को प्रकाश करता है जो नाम है ऐश्वर्यवाची। और एक नाम होता है माधुर्यवाची, बोले माधुर्यवाची नाम क्या है, भगवान की जो लीलाओं को प्रकाश करता है, जैसे कृष्ण है, जैसे गोपाल, कृष्ण कांत, राधा दामोदर है, इसलिए नारायण, ये जो नाम है ये क्या करता है, प्रभु का लीला को साथ में जुड़ा हुआ है। ये नाम लेते ही भगवान की जैसे जैसे कृष्ण ने लीला की वो लीला के अनुरूप ये सब नाम पड़ गया उनका, इसलिए वो लीला को प्रकाश करता है। इसलिए इसको द्वारा क्या मिलेगा, बोले इसको द्वारा जीव को भगवत प्रेम मिलेगा है भगवत, और ऐश्वर्यवाची नाम को द्वारा
जीव को मुक्ति मिलेगा, लेकिन प्रभु का प्रेम उसको नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान के नाम करने के लिए कहते, तो भगवान के नाम कैसे होने चाहिए? बोले शुद्ध नाम होनी चाहिए, शुद्ध नाम होनी चाहिए, तभी वो शुद्ध नाम भगवत प्रेम को प्रदान करेगा। नहीं तो जीवों को मुक्ति दे करके नाम वहीं पर अंतर्ध्यान हो जाता है और आगे वस्तु उसको प्रदान नहीं करता है। इसलिए यहां पर फिर उन्होंने बताए भगवान का नाम, चाहे अपराध है 10 तरह का नाम अपराध। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर, हरिदास ठाकुर बहुत विस्तृत रूप में ये नाम को बताए। नाम अपराध, पहला अपराध है वैष्णव निंदा, ये सबसे पहला अपराध वैष्णव निंदा। इसलिए यहां पर बताए जो वैष्णव निंदा कहती है 5 तरह से होता है, बलहंती, निंदंती, वैदेष्टि, वैष्णवानां ज अभिनिंदंती, क्रुद्धते, जाति नार्षव। कहते 6 तरह का वैष्णव अपराध होता है। हंती, हंती मतलब होता है किसी वैष्णव को मार डालना, ये अपराध है। निंदंती, किसी वैष्णव को निंदा करना है, इसलिए किसी वैष्णव को निंदा करना। इसलिए चैतन्य भागवत में बताए, कहार ना करे निंदा कृष्ण, कृष्ण बोले अजय चैतन्य से ही तारीफ कह ले। जो व्यक्ति कभी किसका निंदा नहीं करता है, हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दिन रात भगवान के भजन करता है। कहते अजय चैतन्य मतलब महाप्रभु को जितना बड़ा कठिन है, इसलिए उनका नाम अजय, तो जिनका जय करना पाना बड़ा कठिन। फिर मिलेगा कैसे? बोले एक उपाय है, जो व्यक्ति कभी किसी की निंदा नहीं करते, क्योंकि जितने जीव है ना, जितने जीव है सबके सब भगवान के अंश है, सब भगवान के संतान है, इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से क्या होता है, हम जिसकी निंदा करेंगे ना, धीरे 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 उसका जितने अपगुण है वो सारे धीरे 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 हमारे अंदर में आ जाएंगे। एक दिन देखेंगे वो व्यक्ति तो शुद्ध हो गया, और हम स्वयं उसका जितना अपराध पाप सबके सब हमारे अंदर में आ जाएगा। एक दिन देखें हम अपना अंदर में आ जाएगा। इसलिए कभी भी किसके निंदा चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको पहले एक कथा सुनाया था, बोले एक समय कोई एक साधु किसी राज दरबार में भिक्षा लेने के लिए गया। राजा ने कहा काम करे खा नहीं पाते हो, भीख मांगने के लिए आ गया, ले भिक्षा। उसने घोड़े का जो लीड मतलब पायखाना उसको झोली में दे दिया, वो तो साधु था, लेकर चला आया। एक दिन वो राजा भ्रमण करते करते जंगल में उस साधु का आश्रम पर पहुंचा, देखा वो जो घोड़े का जो पायखाना है ना एक पर्वत रूप में। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या चीज है, ये घोड़े का पायखाना एकदम पर्वत रूप में, देखा वो जो साधु है तो साधु है पर भजन कर रहा है। बोले ये क्या है? बोले महाराज आपको याद है आपका घर में मैंने कभी आया था भिक्षा लेने के लिए, आपने मुझे क्या भिक्षा दिया था याद है? आपको घोड़े का पायखाना दिया था ना, लीड दिया था ना। बोले हाँ। बोले देखो साधु को अगर कोई चीज देते हैं ना वो कभी कम नहीं होता है, बढ़ता है, वो बढ़ता है, वो कभी कम नहीं होगा, है हर समय बढ़ेगा। अब बढ़ते 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 एक दिन ये पायखाना इतना होगा तेरे देश में घोड़े का पायखाना के बगैर और कुछ रह ही नहीं जाएगा, पूरा तेरे देश को पूरा कवर कर लेगा। बोले हे भगवान, तो अपराध हो गया। उनके चरण में गिर करके माफी मांगे। बोले ये अपराध दूर कैसे होगा आप बताओ, मेरे अपराध को माफ कर दो। बोले एक उपाय है, अगर आपका कोई निंदा करे ना, अगर अगर आपका कोई चुगली करे, फिर तो उसका आपका जितने जो पाप है ना, जो चुगली करेगा उसके ऊपर में सब चली जाएगी, हैं ये एक उपाय, तो बताओ क्या करे। बोले आपका घर में आपका एक बेटी है ना। बोले हाँ। बोले वो बेटी जवान ही है। बोले तुम्हारी घर को सामने जो फूल के एक बगीचा है वहां पर एक कुटिया बनाना अलग, और तुम अपना बेटी को लेकर के वहां पर रहना, रहोगे तो क्या होगा सारा दुनिया देखेगा अकेला अपना बेटी को लेकर के बगीचा में रह रहा है, फिर सारा दुनिया के लोग निंदा करेंगे तुम्हारी, हैं फिर धीरे धीरे तुम्हारे सारे अपराध दूर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जितने पाप जो निंदा करेगा
उसको ऊपर में चला जाएगा। अभी राज्य में पूरा जहां जाओ ना, एक ही चर्चा दे सुने, वो दुष्ट राजा क्या कर रहा है, अपना जवानी बेटी को अकेले लेकर के बगीचा में रह रहा है। पूरा घर घर में पूरा चर्चा। एक दिन वो साधु फिर आया, राजा फिर आया साधु का आश्रम में, देखा सारे घोड़े का जो लीड था ना खत्म, लेकिन एक टोकरी बचा हुआ है, एक टोकरी बचा हुआ। बोले महाराज जी सब तो खत्म हो गया, एक टोकरी क्यों? बोले देख तेरे राज्य में सबके सब तो तेरे चुगली किए, लेकिन एक वृद्ध माता जी किसी की वो चुगली नहीं करती हैं, दिन भर माला लेकर के भगवान के भजन करती रहती हैं, उसकी जो हिस्सा है ना वही बाकी रह गया। अगर वो तुम्हारी निंदा कर ले फिर वो एक टोकरी खत्म हो जाएगा, अगर वो निंदा नहीं करेगा ना वो जो एक टोकरी बच गया तेरे को खाना पड़ेगा, फिर जाकर खत्म होगा। उसने राजा ने क्या किया, अपना भेष को बदला दिया, भेष बदला करके वो बूढ़ी माता जी को पास में गया, सचमुच से देखा वो माला लेकर के भजन कर रही हैं, वो माला लेकर के भजन कर रही हैं, आंखों से आंसू बह रही हैं, भगवान के नाम जप कर रही हैं। और ये जो राजा भेष बदला कर गया भेष को, तो वहां जा करके बोले माता जी तुमने सुनी है वो राजा क्या कर रहा है? वो राजा सोच रहा था वो निंदा करेगा, हाँ हमने सुनी, लेकिन जब इतना बोला ना माता जी को तो बड़ी बिगड़ गई, ले दुष्ट राजा मैं अपना भजन का प्रताप से सब कुछ मैं जानती हूँ, हैं इसलिए मैं किसी की चुगली नहीं करती हूँ, इसलिए वो संत तुम्हारे घर में आए थे ना भिक्षा लेने के लिए, तुमने घोड़े का लीड दिया था ना, वो जो एक टोकरी वहां बचा हुआ ना तेरे को खाना पड़ेगा। तो राजा वहां से भाग गया। यहाँ पर कहते हंती निंदंती, इसलिए कभी भी किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं करते हुए क्या करनी चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ कभी जो निंदा दो तरह के होता है, कितने तरह का होता है? दो तरह का, एक तरह का होता है ईर्ष्या करके द्वेष करके, और एक होता है उनकी कल्याण के लिए, हैं कल्याण के लिए निंदा होता है, इनको ईर्ष्या होता है। जैसे गुरुदेव अगर अपना शिष्यों को कभी उन्होंने शासन करते हैं, हैं कभी उसको डांट लगाते, ये भी तो निंदा है, लेकिन नहीं गुरुदेव शिष्यों के ऊपर कल्याण के लिए, उसका कैसे आत्मा की कल्याण हो, उसका मंगल हो, ये चीज को सोचकर उसको ईर्ष्या भाव से नहीं उसकी मंगल भाव से करते हैं, इसलिए उसको निंदा नहीं कहते। इसलिए बोले हंती निंदंती वैदृष्टि, वैदृष्टि मतलब होता है विद्वेष करके, हैं किसको विद्वेष करके वैदृष्टि, और हंती निंदंती वैदृष्टि वैष्णवा नाम जे अभिनिंदंती, कोई वैष्णव आए आए देख करके हमने उसको अभिनंदन नहीं किया, हैं इसलिए अभिनंदन उसको नहीं किया, इसलिए नियम है कोई वैष्णव आने पर उनको अभिनंदन करनी चाहिए, उनको इज्जत करनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास में कुछ है नहीं खाने के लिए, नहीं एक गिलास पानी तो दे सकते हो, अगर पानी भी तो नहीं मीठी बोली तो दो बोल सकते हो, मीठी बोली तो दो बोल सकते हो, इसके लिए तो कुछ पैसा की जरूरत नहीं। इसलिए वैष्णव आना मुझे अभिनंदन थे, बोले क्रुद्ध थे, अगर किसी वैष्णव के ऊपर में हम क्रोध करते हैं, जाति न हर्ष मतलब देख करके हमें अगर प्रसन्न नहीं हो, किसी वैष्णव को देख करके खुश नहीं हो, हैं इसलिए कहते जो छह तरह का ये वैष्णव अपराध है, इसको द्वारा जीव का पतन होता है, हैं इसको द्वारा पतन होता है। इसलिए कहते वैद्वेष्टि, वैद्वेष मतलब होता है विद्वेष करके। कहते जैसे जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे उसी समय में जो श्रीवास पंडित, वो चार भाई थे, वो चार भाइयों दिन भर क्या करते थे, पूरा परिवार को लेकर बैठता था वो, अपना बीवी बच्चे सबको लेकर के मृदंग ले देते थे और मजरा लेकर के, हाँ दिन रात सारा दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी दिन रात बैठ कर कीर्तन करते थे हैं? अभी एक व्यक्ति गोपाल चापल नाम का व्यक्ति था, उसको उसी गांव में रहता था, उसका बड़ा द्वेष करता था। भले कोई काम धाम है ही नहीं, खाना तो मिलता नहीं रात को, हैं भूख भूख लगता और सोता सो नहीं पाते, और रात भर चिल्लाते रहते हरे कृष्ण, गांव में कोई प्रवेश करना आते ही पता चल जाता था अरे ये श्रीवास पंडित जी का घर है, क्योंकि 24 घंटा पूरा घर में हरि कीर्तन होता था। अभी हरि कीर्तन छोड़कर उसको बड़ा द्वेष होता था, और कोई कोई लोग उनका आदर करते थे ना, हर तरह का लोग होते हैं, हैं कोई अच्छे कुछ दुष्ट लोग होते हैं, जो अच्छे सज्जन व्यक्ति होते थे, देखो कितने अच्छे आदमी है, देखो दिन भर घर में हरि कीर्तन करता है, हरि नाम करता है, इज्जत देने वाले भी हर तरह का लोग है। इसलिए इसका मन में तो बड़ा द्वेष उसका प्रति, उसने सोचा इसका हम नीचा दिखाएंगे, हैं दुनिया में जय जयकार हो रहा है, बड़े साधु मानते, इसका हम तुमको नीचा दिखाएंगे। उसने क्या किया, रात को उसको घर को सामने मदिरा की बोतल, शराब की बोतल रख लिया, और जो माँ देवी की पूजा होता है एक जवा फूल होता है लाल रंग का, वो फूल रख लिया, और जो मांस है जो मांस लाकर घर को सामने रख लिया, और कुछ पूजा की सामग्री लाकर घर को सामने उसने रख लिया। और जो सवेरे हुआ ना, उनने सब लोगों को बुलाया, देखो देखो ये लोग क्या करते हैं, दिन भर हरे कृष्ण नाम लेते हैं, रात में देखो ये सब देवी पूजा करते हैं, मांस मदिरा लेकर देवी पूजा करते हैं, और स्वर्ग से ना अप्सरियों को बुलाते हैं, हैं अप्सरी बुला कर उसके साथ भोग करते हैं। उनने सब लोगों को बुला करके ना उसके उन्होंने बदनामी करवा दिया, बदनामी करवा दिया। तो जो वैष्णव अपराध है, कभी जो वैष्णव लोग होते वो अपराध नहीं लेते हैं, वो तो बड़े दयालु बड़े कृपालु होते हैं, जीव इनका कल्याण करे भगवान, इनकी उद्धार हो। लेकिन उनने क्या, उनने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनको पता हम तो शुद्ध है, हम तो भजन करते हैं। कहते वैष्णव लोग तो अपराध नहीं लेते हैं, लेकिन उनका जो चरण धूलि है ना ये नहीं छोड़ता है। वैष्णव का चरण धूलि वो साधारण वस्तु नहीं, जैसे श्री अम्बरीश के ऊपर में श्री दुर्वासा ऋषि उनने मारने के लिए कोशिश की, अम्बरीश महाराज जहां तहां हाथ जोड़ कर खड़े रहे, अगर भगवान मारेंगे तो हमें कोई बचा नहीं सकते हैं, अगर भगवान बचाएंगे तो हमें कोई मार ही नहीं सकते हैं, वहीं पर हाथ जोड़ कर खड़े हुए। लेकिन सुदर्शन चक्र वहां पर प्रकट हो गया, और उन्होंने पहले तो कृत्ता को मारा, फिर उनका जो चरण धूलि है ये नहीं छोड़ा, फिर तो ये चक्र दुर्वासा को पीछे भगे हैं, उनको पूरा सारा दुनिया उनको पहले ब्रह्म लोक में ले गए, वो माफ नहीं किए, शिव लोक में ले गए, रक्षा नहीं किए, बोले जिनका चक्र उनको पास में जाओ, वैकुंठ में नारायण तक भी उनको रक्षा नहीं किया, लास्ट में आकर के उनके चरण में माफी मांगना पड़ा। इसलिए अभी क्या हुआ, वैष्णव अपराध से उसका ना कुष्ठ हो गया, कुष्ठ जानते हो, कूड़ हो गया, गलित लेपरसी है वो, कुष्ठ हो जाता है। कहते हर कोई बीमारी हो सही होता है, लेकिन वो बीमारी सही नहीं होता है, वो बीमारी सहज में सही नहीं होता है। कहते ये बीमारी कब होता है, कहते जब ज्यादा वैष्णव अपराध हो जाए, ये वैष्णव अपराध से ये बीमारी होता है। इसलिए हमारे उड़ीसा में जिसको ये बीमारी हो जाता है ना, उसको गांव में कोई नहीं रखते, घर में नहीं रखते, उसको निकाल देते हैं वहां से। और एक स्थान जहाँ पर श्री शंकर जी हैं, वहां पर रखे शंकर जी हैं, कहते वहीं पर जा करके लोकनाथ है, लोकनाथ है वहीं पर जा करके वो रहते हैं। बोले वहां पर जा कर क्यों रहते हैं, शंकर जी ये वैष्णव नाम यथा संभो, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ श्री भोले बाबा श्री शंकर जी हैं, इसलिए वहीं जा करके उनके चरण में रहते हैं, क्योंकि वैष्णव अपराध से ही ये बीमारी होता है। वैष्णव श्रेष्ठ श्री शंकर जी अगर उनकी कृपा हो ना, फिर तो ये बीमारी सही हो सकती है, नहीं तो सही नहीं होता। अभी क्या हुआ, वैष्णव अपराध से उसका जो गला है ना कीड़े पड़ गए, नाक गल गया, जो अंगुल कीड़े पड़ गए,
धीरे धीरे सब निकलने लग गया, मतलब बड़े खतरा बीमारी हो, हाँ बड़े खतरा बीमारी हो है, इसलिए धीरे 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 होने लग गया। और जब गले में कीड़े पड़ गए ना, इतने कष्ट होता था, इतना कष्ट होता था उसको, उसको पता चला हमने वैष्णव अपराध किया है, इसकी वजह से हमें ये महान कठिन बीमारी हुआ। फिर उन्होंने रो रो करके महाप्रभु के पास में गए, बोले प्रभु मेरे अपराध को माफ कर दो, मैंने बहुत वैष्णव अपराध किया, निंदा किया, इसलिए मेरे को ये बीमारी हुआ, प्रभु कृपा करो। महाप्रभु बोले देखो, अगर अगर प्यार में कांटा चुभ जाए ना, वो सर में नहीं निकलेगा, वो प्यार में ही निकलेगा। तुमने जो अपराध है मेरी चरण में नहीं किए हो, तुमने श्रीवास पंडित जी की चरण में तुमने अपराध किए हो, जाओ वहीं पर जाकर माफी मांगो। फिर उन्होंने श्रीवास पंडित जी के पास में आए, चरण पकड़ करके रो रो करके माफी मांगे। वैष्णव बड़े दयालु बड़े कृपालु होते हैं, फिर अपराध किया तो फिर सही हुए हैं। इसलिए जो वैष्णव अपराध है वो बहुत खतरा है, इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं देखो भजन बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो, कोई चिंता नहीं, लेकिन वैष्णव अपराध मत किया करो। इसलिए वैष्णव अपराध नहीं करनी चाहिए। इसलिए कथंती निंदंती, हाँ यहाँ पर वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए। वैदृष्टि वैष्णवा नाम जे अभिनिंदती क्रुद्धते जाति न हर्ष, जो वैष्णव क्रोध करते हैं देख करके खुश नहीं होते हैं। जैसे अपराध फिर किसने किया, भागवत में आता है ये दक्ष प्रजापति ने किया, बोले किसको चरण में किया, बोले शंकर जी को चरण में। जब ब्रह्मा जी उन्होंने दक्ष प्रजापति को उनको नाम कर दिया दक्ष प्रजापति, ये प्रजापति पद में नियुक्त कर दिया है, प्रजाओं का जो पति है, प्रजाओं का जो पति, बहुत बड़े पोस्ट दे दिया ब्रह्मा जी। कहते कहते ये प्रभुता पाई काम अदनाई, मतलब है ये पोस्ट ऐसे की चीज है, पोस्ट ऐसे की चीज, अगर बड़ा कोई पोस्ट मिल जाए, गोस्वामी जी कहते हैं प्रभुता पाई का मद नाई, मतलब है जगत में ऐसे कौन सा व्यक्ति हो जिसको बड़ा पोस्ट दे दो और उसका अभिमान नहीं आ जाए, अरे हम इतने बड़े, हम साधारण थोड़ी है, इसलिए हम तो इतने बड़े हैं, ये प्रभुता ऐसे की चीज है। इसलिए केवल वैष्णव लोग ही होते हैं जो ये चीज को हजम कर सकते हैं, और वैष्णव के बगैर ना ये चीज को कोई हजम नहीं कर सकते। जैसे श्री हमारे माधवेंद्रपुरी हैं, भगवान इनके लिए खीर चोरी किया, लेकिन सब लोग मेरे को इज्जत करेंगे प्रतिष्ठा करेंगे, रात रात भाग गए, हाँ सारा दुनिया आकर पूजा करेंगे ये करेंगे, हम जो भजन कर रहे हैं ना भजन में ये बाधा मिलेगा, लेकिन सारा दुनिया प्रतिष्ठा के लिए तरसते, हमारा जयकार हो, सारा दुनिया हमारे जय जय बोले, हमारी प्रतिष्ठा हो, सारा दुनिया इसके लिए पागल है, हाँ इसके लिए, लेकिन उन्होंने छोड़ करके भाग गए, हाँ छोड़ कर भाग गए, लेकिन तो भाग तक गए, लेकिन जो प्रतिष्ठा नहीं चाहता है भगवान उसको खुद प्रतिष्ठा देते हैं। इसलिए पुरी में पहुंचने से पहले जगन्नाथ जी स्वप्न दे दिया राजा को, मेरे एक भक्त आ रहा है माधवेंद्रपुरी, उनके लिए मलय या चंदन की व्यवस्था करना, भगवान उसके लिए स्वयं भगवान वहां पर पहले ही उनको स्वप्न दे दिया राजा को, पहुंचने से पहले जगन्नाथपुरी में। अभी दक्ष प्रजापति कुंभ मेला हो रहा था, सारे देवता लोगों को बुलाए थे, सारे देवता लोग आए थे, ये जान बुझ कर उसने क्या किया, पहले आया नहीं बाद में आया, बोले क्यों, बोले जब मैं आऊंगा अंदर में प्रवेश करूंगा सब खड़े होकर मेरे को स्वागत करेंगे, हाँ स्वागत करेंगे, हमारी जय जयकार होगा, हैं जय जयकार होगा, वो जान बुझ करके वो पहले नहीं आए, सबसे बाद में जब आए, दक्ष प्रजापति है ना, प्रजापति पद में नियुक्त किया, सबके सब देवता खड़े हुए हो करके सबके सब उनको सम्मान दिए, लेकिन वो ऐसे ऐसे देख रहा था कौन कौन खड़े हुए और कौन कौन खड़े नहीं हुए, कौन मेरे को सम्मान कर रहा है और कौन मेरे को असम्मान कर रहा है, देखा सबके सब खड़े हुए लेकिन दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए, एक ब्रह्मा जी और एक शंकर जी। उनने देखा ब्रह्मा जी पिता लगते हैं मेरे, पिता है, हाँ मैं बेटा हूँ कोई बात नहीं, पिताजी खड़े नहीं हुए, लेकिन शंकर जी क्यों खड़े नहीं हुए, शंकर जी मेरे दामाद लगता है, हैं मैं सबसे प्यारी, मेरी जो बेटी थी सबसे प्यारी, जो बेटी मेरी सबसे सुंदरी बेटी,
जो मृग नयनी कौन कहते सती है। और ये ब्रह्मा जी बोलने पर सबसे सुंदरी बेटी, उनको 16 बेटी थी, 16 बेटी में सबसे छोटी बेटी ये प्यारी श्री सती और सबसे सुंदरी थी। मृग नयन उसकी आंख मृग जैसे, चंचल नेत्र, बड़ी सुंदरी थी है। इसलिए ब्रह्मा जी बोलने पर इतने प्यारी बेटी को मैंने दिया, जब मैंने बेटी दिया फिर वो मेरा बेटा हो गया ना, बेटा हो गया। इसलिए मैं ससुर हूँ, पिताजी हूँ, और मैं आया हूँ, और मेरे को थोड़ी सी खड़े होकर के सम्मान तक भी नहीं किया, खड़े नहीं हो पाए। उसने भरी सभा में इतने बेइज्जत किया शंकर जी को, इतने बेइज्जत किया, बोले देखो मैं हैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ब्रह्मा जी बोलने पर मैं अपना बेटी को दिया, मेरे बेटा लगता है ये, लेकिन मैं इसको पिता लगता हूँ, लेकिन ये थोड़े खड़े होकर के मेरे को थोड़ा स्वागत नहीं किया, मैं तो अपना बेटी इसको देना ही नहीं चाह रहा था दुष्टों को, हैं ब्रह्मा जी बोलने पर दिया। देखो कैसे बैठ करके बंदर जैसे आँख लाल लाल हैं कैसे बैठा हुआ है। उसने गाली को भरना शंकर जी को गाली देने लग गया हैं। जब गाली दे रहा था बोले कि कोई पवित्रता का अपवित्रता का ध्यान नहीं, शमशान में रहता है, शरीर में शमशान का राग मलता है, शरीर में सांप लटक रहे हैं, जटा जूट अपवित्र वेश है। उन्होंने तो गाली के ऊपर गाली देने लग गया, लेकिन वो बात को जो सुधा सरस्वती, उन्हें स्तुति पर लगा दिया है, स्तुति में लगा दिया, क्योंकि शंकर जी सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर जी हैं सत्यम शिवम सुंदर, उनके अंदर में ये दुर्गुण कभी आ ही नहीं सकता है, ये वैष्णव है, वैष्णव ही ये सब क्रिया करते हैं। सुधा सरस्वती सुंदर स्तुति कर दिया, लेकिन ये चीज को शंकर जी बैठ करके ना, वो तो गाली दे रहा था, शंकर जी बैठ बैठ कर मुस्कुरा रहे थे। अगर आप किसी व्यक्ति को गाली दो अगर मुस्कुराए फिर क्या होगा, जो गाली देता है ना और ज्यादा क्रोध आता है। हम बोले देखो दुष्टो निर्लज्ज बेया, उसको मैं गाली दे रहा हूं और ये बैठ बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं, फिर तो उसने गाली को फिर गाली देने लग गया। यहाँ एक प्रश्न होता है, शंकर जी खड़े होकर क्यों सम्मान नहीं किए, खड़े हो जाते अपना ससुर लगते खड़े हो जाते। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्होंने दो कारण बताए, उन्हें क्यों सम्मान नहीं दिए कारण किया। पहला है शंकर जी कौन है, ये सर्वश्रेष्ठ वैष्णव, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं शिव सम को रघुपति व्रतधारी, मतलब शंकर जी के बराबर जगत में रघुपति मतलब राम का व्रत को धारण करने वाले शंकर जी के बराबर कोई है नहीं है। पंचमुख है राम नाम गान त्रिपुरारी, हर समय पंचमुख में भगवान का नाम कीर्तन करने वाले शंकर जी है। इसलिए सब जीवों को महामंत्र जयी जपत महेशा काशी मुक्ति हेतु उपदेशा, हर समय प्रभु का नाम जप करते हैं और काशी में सबको कानों में प्रभु का नाम देकर जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं शंकर जी। इसलिए शंकर जी कौन, ये सर्वश्रेष्ठ वैष्णव। कहते सर्वश्रेष्ठ वैष्णव का लक्षण क्या है, बोले सर्वभूतेषु जपस्येत भगवत भावात्मन, इसका मतलब है उस सब जीव को शरीर को नहीं देखते हैं, सभी का हृदय में परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हुए हैं वो भगवत दर्शन करते हैं, वो शरीर दर्शन नहीं करते हैं, वो सभी का हृदय भगवान को दर्शन करते हैं। शंकर जी परम वैष्णव दक्ष प्रजापति की हृदय में जो भगवान परमात्मा रूप में बैठे हुए शंकर जी, उनको दर्शन करके मन मन में उनको प्रणाम किया। लेकिन ये कौन है, बोले दक्ष, बोले किस चीज की, बोले सृष्टि में दक्ष है, भगवान की भक्ति में दक्ष नहीं, इसलिए शंकर जी के जो इतने उच्चे भाव को समझ नहीं पाए, ये एक कारण। दूसरा कारण बताए, शंकर जी परम वैष्णव है, परम वैष्णव होने का नाते कहते वैष्णव का जो लक्षण क्या है, बोले कृष्ण ही का शरणम, कृष्ण ही का शरणम। इसलिए उसमें वैष्णव में 26 लक्षण होता है, जो 25 लक्षण है उनका तटस्थ लक्षण बाहर लक्षण, लेकिन उनका जो स्वरूप लक्षण अंदर का जो लक्षण एक है, कहते कृष्ण एक शरणम, एक कृष्ण का चरण में जो संपूर्ण रूप में शरणागत है, कहते ना सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि माम शुचो। कृष्ण कहते तुम सारे धर्म को छोड़ करके मेरे शरण में आ जा, आने पर बोले पाप नहीं लगेगा, 33 करोड़ देवता
फिर मेरे पीछे कोई पड़ जाएगा तो नाराज हो जाएगा, तो बोले चिंता मत करो, मैं तेरे को सारे पाप से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। इसलिए शंकर जी ने हैं कहते हैं भगवान के चरण में एकांत शरणागत भक्त है, प्रभु के चरण में संपूर्ण शरणागत भक्त है। भक्त होने का नाते जैसे पेड़ है, पेड़ का जड़ में जब पानी दे दो ना, पूरा सारे वृक्ष में चले जाती है, फिर अलग पत्ते फूल में पानी देने का जरूरत नहीं। इसलिए शंकर जी भगवत चरण में संपूर्ण शरणागत व्यक्ति, जब प्रभु के चरण में शरणागत हो गए फिर कोई जरूरत नहीं, इसको पूजा कर, इसको पूजा कर, उसको पूजा कर, जरूरत नहीं। लेकिन शंकर जी के जो महान भाव को दक्ष प्रजापति समझ नहीं पाया, शंकर जी को गाली गाली ऊपर गाली दिया। हाँ, शंकर जी को गाली दिया। जब गाली दिए इतने में वहां पर जो शंकर जी का नंदी था, भले अगर तीसरा नेत्र अगर शंकर जी खोले ना, दुनिया को ध्वंस कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे, वो चुप चुप बैठे हुए शंकर जी, और ये उसका दुरुपयोग कर रहा है, गाली के ऊपर गाली, गाली के ऊपर गाली दे जा रहा है। इतने में फिर श्री नंदी जी ने, फिर तो दक्ष प्रजापति को उन्होंने, पहले तो बकबक बकबक बक कर रहे हो, तेरे सर पर बकरी का सर लग जाएगा, बकबक बकबक कर रहे हो ना, तो तेरे सर पर बकरी का सर लग जाएगा। फिर उन्होंने शंकर जी का, उन्होंने श्री दक्ष प्रजापति का जो भी अभिशाप दिया, इतने में दक्ष प्रजापति ने हैं, इतने में वहां पर जो शंकर, ये दक्ष प्रजापति के जो अनुयायी लोग थे ना, वो भी बड़े क्रोधित हो गए, बोले तू कौन होता है, ये ससुर दामाद का लड़ाई और तू बीच में खड़े होकर के दक्ष प्रजापति के सर कट करके बकरी सर लग जाएगा, इतना बड़ा अभिशाप। फिर उन्होंने जितने शंकर जी का भक्त थे ना, सबका अभिशाप दे दिया भृगु ऋषि, बोले जितने शंकर जी के भक्त बनेंगे, भव व्रता धरा जेच जेच तानु समान व्रता पाखंडी नस्त भवंतु शस्त्रास्त्र परिपत्तिनः, कहते सब के सब पाखंडी बनेंगे और सत शास्त्र से विमुख रहेंगे, नष्ट शौचा भ्रष्टाचार बनेंगे, अपवित्र रहेंगे, श्मशान में रहेंगे, शरीर में राख मलेंगे, जटाजू धारण करेंगे और वो बड़े अपवित्र रहेंगे। जितने शंकर जी के भक्त थे ना, सबको उन्होंने पाखंडी बना दी। जब पाखंडी बना दिए इतने में फिर तो क्रोध आया नंदी को, बोले हैं, बोले जितने सारे शंकर जी के भक्तों को तुमने पाखंडी बना दिया, मैं भी ब्राह्मण समाज को अभिशाप देता हूं, कलयुग में जितने ब्राह्मण सब भीख मांगेंगे, हाँ घर घर में भीख मांगते रहेंगे, हाँ भीख मांगते रहेंगे, सबके सब भीख मंगवाना बना दिए। जब ऐसे होने लगा, शंकर जी ने कहा देखो कहाँ स्वागत समारोह हो रहा था, कहाँ यह सापा समारोह हो रहा है। शंकर जी चुपचाप वहां से शंकर जी चले गए। अभी शंकर जी चले गए तब भी ये दक्ष प्रजापति को चैन नहीं मिला। फिर शंकर जी को अपमान करने के लिए कनखल में उन्होंने फिर उन्हें यज्ञ करवाया, सबको निमंत्रण दिया, शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। हाँ, इसलिए शिव भीन, शंकर जी का नाम शिव, शिव मतलब होता है मंगलमय, इसलिए शिव भीन यज्ञ है। फिर तो वहां पर दक्ष, फिर सती वहां पर गई, तो लंबा कथा है, सती वहां पर गई, देखा सभी के लिए हिस्सा है, भाग है, केवल श्री शंकर जी के लिए नहीं। बोले ये शरीर जब तक रहेगा दुनिया बोलेंगे मैं किसकी बेटी, बोले दक्ष प्रजापति की बेटी जो शंकर जी को अनादर किया, जीवन रहेगा तो फिर बोले इनके बेटी, न रहेगा बांस न जब न बज की बांसुरी, यही से शरीर को मैं रक्षा करना नहीं चाहता, उन्होंने शरीर को त्याग दी। फिर शंकर जी के जो भक्त लोग शंकर जी को जाकर के बताए, शंकर जी के जटा उखाड़ कर नीचे पटक दिया, वीरभद्र प्रकट हुआ, बोले क्या आदेश, बोले जाओ यज्ञ को तसनस कर दो। गए, उसने तो पहले दक्ष प्रजापति का गला को काट करके स्वागत दिया, और वहां पर जितने सब अनुयायी थे हैं, ऋषि मुनि जितने थे, देवता लोग थे, ब्रह्मा जानबूझ करके नहीं आए, जानते गड़बड़ी होने वाले, हाँ इसलिए जानबूझ करके नहीं आए, जितने सब के सब थे। शंकर जी अपमान में जो दाढ़ी को ऐसे ऐसे हिला रहे थे, दाढ़ी उखाड़ ली, जो उनका आग आग कर रहे थे शंकर जी की, हाँ निंदा हो रही है, आंख निकाल दिए, जो हंस रहे थे दांत तोड़ दिए, और जितने सब वहां पर देवता थे ना, किसका पाँव तोड़े, किसका हाथ तोड़े, बड़े वहां पर, हाँ बड़े वहां पर तसनस कर दिए सारा दुनिया को। यहाँ शिक्षा देते हैं, जब कोई वैष्णव अपराध हो जाता है ना, वो इतने खतरनाक, दक्ष प्रजापति दे से इतने बड़े व्यक्ति गला काट करके स्वाहा कर दे, मतलब
बड़े बड़े देवता भृगुर जैसे ऋषि थे, हाँ, उनको दाढ़ी उखाड़ दिया, आंख निकाल दिया, मतलब वैष्णव अपराध होने से ये बड़ा भयानक है। इसलिए 10 तरह का अपराध में पहला नंबर जो अपराध है ये वैष्णव अपराध है। वैष्णव अपराध उसमें बताए उनका जो स्वरूप लक्षण जो तटस्थ लक्षण है, अगर उनका तटस्थ लक्षण है, अगर नहीं, अगर उनका अंदर स्वरूप लक्षण मतलब होता है कृष्ण ही का शरणम, एक कृष्ण चरण में जो संपूर्ण शरणागत है, अगर उनका अंदर में अगर कोई उल्टा पुल्टा अगर कोई चीज दिखती है तब भी निंदा नहीं करनी चाहिए, कोई निंदा नहीं, क्योंकि कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्माता सस्व सत्य निगच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। कृष्ण स्वयं कहते हैं अर्जुन उसको अंदर में हाँ बोले क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो मेरे एकांत रूप में मेरे चरण में शरणागत है ना, हाँ, अगर कहीं उनकी उल्टा पुल्टा अगर दिखता है, चूंकि मेरे को तो छोड़ा नहीं ना, मेरे शरण में आया है ना, इसलिए अगर कभी माफी मांगेगा दुखी होकर के प्रभु का शरण में जाएगा तो भगवान जल्दी से जल्दी उसका अपराध को माफ कर देते हैं, भगवान उसको माफ कर देते हैं, माफ करके फिर उनको भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए 10 तरह का अपराध में पहला नंबर वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए, करते हुए हर समय भगवान की नाम जप करनी चाहिए, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।